हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ। हिंदी में हम लेसन नंबर 3 में आज आगे स्वाध्याय देखेंगे। क्वेश्चन 1, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन दिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पे ड्राइंग्स दिए हैं और नीचे जगह है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में हमें नेम है वो लिखना है। चलो, ये किसका ड्राइंग है, ये ड्राइंग है टंग। तो यहाँ पे हमें टंग ढूंढना है, एल्बो टंग। तो यहाँ पे टिक करेंगे, टंग यानी कि जीभ। तो यहाँ पे टंग और जीभ लिखा हुआ ही है। अब दूसरा देखेंगे बच्चों, ये किसका ड्राइंग है, ये ड्राइंग है थंब का। थंब यानी कि अंगूठा। इसमें समय क्या ढूंढना है, थंब ढूंढना। एल्बो टंग नेक नी नेल थंब। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी एच यू एम बी। थंब यानी कि अंगूठा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्राइंग, ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पैरो है। तो ये किसका ड्राइंग होगा, ये है नी यानी कि घुटना। तो हमें इसमें से नी ढूंढना है, एल्बो नेक और नी। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे के एन डबल ई नी। नी यानी कि घुटना, तो यहाँ पे लिखेंगे घुटना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो है। तो ये क्या हुई आपकी गर्दन यानी कि नेक। तो हमें इसमें से क्या ढूंढना है, नेक ढूंढना है। चलो देखते हैं, एल्बो और नेक। तो ये रहा नेक, यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एन ई सी के, नेक यानी कि गर्दन, वहाँ पे लिख दिए। चलो नेक्स्ट, ये किसका ड्राइंग है, ये ड्राइंग है लिप्स का। तो हम ऊपर क्या ढूंढेंगे, ऊपर ढूंढेंगे लिप्स। चलो देखते हैं, एल्बो बाकी में तो हो गया है, फिर नेल और ये लिप्स। लिप्स यानी कि ओठ, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे एल आई पी एस। लिप्स का दो दिया है, ओठ और होठ। तो आप दोनों यहाँ पे लिखोगे, ओठ और दूसरा है होठ। चलो उसके बाद, ये किसका ड्राइंग है बच्चों, ये ड्राइंग है आई का। तो ऊपर हम क्या ढूंढेंगे, आई, एल्बो नेल और आई। तो यहाँ पे आई है, वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। आई मीन्स क्या होगा बच्चों, आँख। तो लिखेंगे ई वाई ई, आई यानी कि आँख। चलो उसके बाद, ये किसका ड्राइंग है, ये ड्राइंग है एल्बो का। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, एल्बो। चलो पहला ही है एल्बो, एल्बो यानी कि कोहनी, वहाँ पे अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे लिखेंगे ई एल बी ओ डबल ई, एल्बो यानी कि कोहनी। नेक्स्ट ड्राइंग किसका है, यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये नाखून पे, नाखून यानी कि नेल। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, नेल। लास्ट में यही बचा है नेल, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे एन ए आई एल, नेल। नेल यानी कि नाखून, ये नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। क्या है, इंग्लिश नेम दिए है, हमें उसका हिंदी नेम है वो लिखना है। चलो देखते हैं, नंबर 1, एच ई ए डी, हेड यानी कि सिर, ये दिया है। अब दूसरा देखते हैं, सी एच ई एस टी, चेस्ट यानी कि क्या होगा, चेस्ट यानी कि सीना। तो यहाँ पे लिखेंगे सीना। नंबर 3, ई वाई ई, आई यानी कि आँख। तो यहाँ पे लिखेंगे आँखो। उसके बाद है नंबर 4, W A I S T, वेस्ट यानी कि क्या होगा, कमर। तो यहाँ पे लिखेंगे कमर। उसके बाद नंबर 5,
एम ओ यू टी एच यानी कि माउथ, माउथ यानी कि मुंह, तो यहाँ पे लिखेंगे मुंह। उसके बाद है नंबर 6, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो यानी कि क्या होगा, कुहनी, तो यहाँ पे लिखेंगे कुहनी। नंबर 7, ई ए आर, ईयर यानी कि क्या होगा बच्चों, ईयर यानी कि कान। नंबर 8, एल ई जी, लेग यानी कि क्या होगा बच्चों, लेग यानी कि पैर। नंबर 9, एफ आई एन जी ई आर, फिंगर मीन्स क्या होगा बच्चों, फिंगर मीन्स बच्चों क्या होगा, फिंगर मीन्स होगा उंगली, तो यहाँ पे लिखेंगे उंगली। यहाँ पे सिर्फ फिंगर दिया तो हमने लिखा उंगली, अगर फिंगर्स दिया होगा तो हम लिखेंगे उंगलिया। नंबर 10, एस एच ओ यू एल डी ई आर, यानी कि शोल्डर, शोल्डर यानी कि क्या होगा बच्चों, शोल्डर यानी कि होगा कंधा। नंबर 11, पी ए एल एम यानी कि पाम, पाम यानी कि क्या होगा बच्चों, पाम यानी कि होगा हथेली। नंबर 12, डब्ल्यू आर आई एस टी यानी कि रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई। क्वेश्चन 3, हिंदी नाम के सामने उसका अंग्रेजी नाम लिखिए। अबे क्या करना है, हिंदी नेम दिए हैं, हमें उसका इंग्लिश में नेम लिखना है। चलो देखते हैं। नंबर 1, बाल यानी कि बाल, बाल मीन्स क्या होगा बच्चों, बाल मीन्स हेयर, तो हेयर का स्पेलिंग लिखेंगे एच ए आई आर, हेयर मीन्स क्या होगा बाल। नंबर 2, 2 पे क्या दिया है, पेट यानी कि पेट, पेट तो क्या होगा बेली, तो बेली का स्पेलिंग लिखेंगे आप बी ई डबल एल वाई यानी कि बेली, बेली मीन्स पेट। नंबर 3, हाथ, हाथ मीन्स क्या होगा बच्चों, हैंड, तो हमें यहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है, हैंड का। चलो लिखते हैं एच ए एन डी यानी कि हैंड, हैंड मीन्स क्या होगा हाथ। नंबर 4, 4 में क्या दिया है बच्चों, नाक, नाक यानी कि नोज, तो हमें यहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है, नोज का, तो लिखेंगे एन ओ एस ई यानी कि नोज, नोज मीन्स क्या होगा नाक। नंबर 5, यहाँ पे किसका दिया है वर्ड, घुटना, घुटना यानी कि क्या होगा बच्चों, नी, तो यहाँ पे हमें किसका स्पेलिंग लिखना है, नी का, के एन डबल ई यानी कि नी, नी मीन्स घुटना। नंबर 6, एडी किसका दिया है, एडी का, तो एडी मीन्स क्या होगा बच्चों, हील, तो हमें यहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है, हील का, तो हील का स्पेलिंग है एच डबल ई एल, हील यानी कि क्या होगा बच्चों, एडी। नंबर 7, उंगलिया, उंगलिया यानी कि फिंगर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिंगर्स का स्पेलिंग एफ आई एन जी ई आर एस, फिंगर्स यानी कि उंगलियाँ, अगर सिर्फ उंगली दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे फिंगर। नंबर 8, टखना, टखना यानी कि क्या होगा, एंकल, तो यहाँ पे हमें किसका स्पेलिंग लिखना है, एंकल का, ए एन के एल ई, एंकल मीन्स क्या होगा टखना। बच्चों यहाँ पे हमने इस लेसन में किसके बारे में देखा, बॉडी पार्ट्स के बारे में यानी कि शरीर के अंग। देखो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में दिखा, जैसे कि सिर, पैर, घुटना, टखना, एडी, हाथ, ओठ, ठीक है, उसका हिंदी में और इंग्लिश दोनों में हमने वर्ड्स और स्पेलिंग दोनों देखा। थैंक यू।